Hey guys, बहुत ही जल्दी Vivo की तरफ से Vivo V27 सीरीज इंडिया में लॉन्च होते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में ये जो फोन है इसका कुछ लीक्स निकल के आ चुका है, इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है इंडिया में एंड ये इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाला है वो सब निकल के आ चुका है। तो गाइस सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक जुड़े रहिए एंड इसका स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है इंडिया में वो भी आपको बताएंगे। तो भाई सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखना एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले इसी Vivo V27 सीरीज के बारे में। तो गाइस ज्यादा बातें नहीं करके वीडियो को ऑर्डर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई आज हम स्पेशली बात करेंगे Vivo V27 के बारे में। भाई वेनिला वेरिएंट जो होने वाला है उसी का ही बारे में आज हम बात करेंगे, Vivo V27 Pro के बारे में किसी दूसरे दिन बात करेंगे, बट आज हम बात करेंगे Vivo V27 के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन, तो गाइस कुछ ऐसे डिजाइन के साथ आने वाला है जिसे देख पा रहे हो। कुछ पीछे आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेंगे, साथ में LED फ्लैश मिलेंगे, Vivo का ब्रांडिंग मिल जाएंगे एंड सामने एक आपको पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डिजाइन अच्छे बनाते हैं, कैमरा अच्छे देता है Vivo Oppo, ये तो आपको पता है, बट इसके स्पेसिफिकेशन मतलब इसमें क्या क्या और क्या चीज मिलेंगे अच्छी चीज मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों बात करें कि अभी इस फोन के डिस्प्ले, तो कैसे इधर आपको एक फ्लैट स्क्रीन मिलेंगे 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाएंगे, फुल HD रहेंगे डेफिनेटली, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, इस 10 प्लस को सपोर्ट करने वाला है, अच्छा है डिस्प्ले, कोई शिकायत डिस्प्ले से नहीं आने वाला है एंड डिजाइन भी बहुत ही अच्छे होने वाला है। साथ में बात करें इस फोन की चिपसेट, इधर कैसे एक नया चिपसेट अनाउंस करने वाला है बहुत ही लिमिटेड डायमेंसिटी की तरफ से, जो है 7200, जो गाइस आपको जैसे बताएंगे Realme 10 Pro Plus में जो चिपसेट यूज किया गया है 1080 उससे फार बेटर है, ठीक है। 5nm पे बेस करके बनाया गया है, बहुत ही कमाल के आपको बैटरी देखने के लिए मिलेंगे, मतलब बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही कमाल के होने वाला है एंड साथ में इसका मतलब जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देने वाले बहुत ही कमाल के रहने वाले, ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस आपको निकले दे देंगे 1080 से बेहतर देने वाला है, ठीक है। एंड बात करेंगे इस फोन की कैमरा, तो इस कैमरा आपको पीछे 3 ही मिलेंगे, 50 MP का मेन कैमरा होने वाला है, इसमें आपको सोनी IMX766 वाला सेंसर मिलेंगे जो अच्छे फोटो सबको निकल के दे देंगे, खींच के दे देंगे। साथ में इधर सुना जा रहा है कि भाई सामने आपको जो कैमरा मिलेंगे वो 50 MP का कैमरा होने वाला है, हो सकता है ऐसे कुछ लीक्स निकल के आ रहा है बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई हो सकता है, ठीक है। तो देखा जाएगा, अगर होंगे तो बहुत ही कमाल के, Vivo का सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छे होता है एंड वही उसको ही हाईलाइटेड ज्यादा करते हैं इधर Vivo, तो देखा जाएगा कितने मेगापिक्सल का इधर कैमरा लगाता है Vivo। एंड बात करेंगे इसकी बैटरी, तो बैटरी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इसका जो चार्जर होने वाला है वही 66 वाट के चार्जर के साथ ये फोन आपको मिलेंगे, अच्छे है। मतलब प्राइस के हिसाब से तो भाई अभी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, प्राइस को ऊपर रखता है, स्पेसिफिकेशन को नीचे कर देता है, तो गाइस ऐसा ही कुछ है भाई, 66 वाट का चार्जर आपको मिलेंगे बट मेरे हिसाब से इधर 5000 mAh की बैटरी हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है बट दिखा जाएगा जब भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा इसके रिलेटेड आपको जरूर से बताएंगे। और साथ में इसमें आपको Android 13 मिलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स एंड फ्रंट टच 13 पे रन करने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई ब्लूटूथ सारे के सारे सेंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होने वाला है। एंड अभी बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट, तो दोस्तों इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है, ये जो फोन है Vivo V27 इसका प्राइसिंग सुना मतलब बोला जा रहा है कि लीक्स नहीं कह रहे भाई 35,000 के अराउंड इसका प्राइसिंग होने वाला है, 35,000 के अराउंड, तो गाइस अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बट 35,000 के अराउंड इसका प्राइसिंग रह सकता है, ऐसे कुछ लेक्स निकल का आ रहा है। अभी हम बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट, तो गाइस ये ऐसा सुना ही चाह रहे हैं कि भाई Vivo V27 जो सीरीज है वो ग्लोबल पहले आने वाला है, ये ग्लोबल जाने वाला है इसी मंथ के एंडिंग पे, ये फोन आपको ग्लोबल देखने के लिए मिलेंगे, साथ में ये इंडिया में कब तक आने वाला है मिड ऑफ मार्च पे ये इंडिया में भी डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, ऐसे कुछ लीक्स निकल का आ रहा है, जो गाइस लीक्सटर है उसने ही बताया कि भाई ये फोन मिड ऑफ मार्च में इंडिया में डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं Vivo V27 के बारे में। अगर गाइस वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलते मिलते किसी नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो, तो बाय बाय।